गंगोर के इस मेले में गंगोर पूजा किस प्रकार से की जाती है, मेवाड़ की सबसे बड़ी परंपरा गंगोर महोत्सव। तो गणगौरों का देखिए आप, शिव और पार्वती की जोड़ी और भारी संख्या में यहाँ पे जनसैलाब होता है और गणगौर की पुतलियों को नचाते हुए नृत्य करते हुए जो है वापस इन्हें पुनः पानी पिलाकर अर्चना के बाद वापस जाया जा रहा है। चलिए भागोर की हवेली में दिखाते हैं, अभी जबरदस्त भीड़ है और भागोर की हवेली में क्या हो रहा है वो भी दिखाते हैं। भागोर की हवेली में महिलाएं आज के दिन निशुल्क है, महिलाएं निशुल्क जा सकती है और महिलाएं फोटोग्राफी का आनंद लेते हुए सब एक साथ आ जाओ, एक साथ आओ ना सब एक साथ। तो यहाँ देखिए कोई शिव बन के आया है, कोई नंदी बन के आया हो, हम बोले तो देखिए बच्चों का क्या रहा है, कैसा बहुत अच्छा लगा। इधर आओ सब एक साथ, एक ना अलग अलग थोड़ा सा ये। तो कोई हनुमान जी का किरदार निभा रहा था, देखिए मैंने कहा इतना। तो गणगौर का मेला देखने के लिए बहुत है और महिलाएं फोटोग्राफी करते हुए कैसा लगता है गणगौर के मेले में आते तक? बहुत अच्छा लगता है, आज महिलाओं के लिए विशेष करके फ्री रखा जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ पूरा निःशुल्क है तो ये है। तो चलिए और भी दिखाते हैं टैक्स। जनसैलाब देखें यहाँ पे कोई कमी नहीं है, चारों ओर जनसैलाब, फोटोग्राफी करते हैं युवा युवक बने ठने देखे सभी आए हैं, महिलाएं भी बढ़ कर आई है सभी, फोटोग्राफी का यहाँ पूरा आनंद किया जा रहा है। अर्चना के बाद कौन से ठाकुर जी
सर दोनों को पानी पिलाने के लिए, स्नान करने के लिए सुप्रसिद्ध गणगौर पूजा के नाम से ये पूरा सेलिब्रेट फेस्टिवल मनाया जाता है। और आप उसकी एक एक तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें बड़ी खड़ी महिलाएं खूब पारंपरिक राजस्थानी लिबास में आपको दिखाई देंगे। कैमरे यहाँ पे चल रहे हैं, कितने सभी लुक उठा रहे, सभी आनंद।